हेलो फ्रेंड्स, जनरेट बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वालिफायर वन, मतलब जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी डायरेक्टली फाइनल के लिए। तो टॉप टू लड़ेगी इसमें, कंफर्म है। एमआई लड़ रही है वर्सेस जीजी। अब क्या ये एमआई पुरानी वाली एमआई है जैसा परफॉर्म किया, टॉप ऑफ द टेबल पे फिनिश किया 10 में से 6 जीत के? जीजी का बात किया जाए तो मतलब ये भी 10 में से 6 जीती, सेकेंड पोजिशन पर फिनिश किए हैं। लेकिन इस टीम का अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में कुछ मैचेस फ्लॉप जा रहे थे, कमबैक किया, लगातार 4 मैच जीती है। एक एक प्लेयर का कोड इनके पास मौजूद है, मतलब जो प्लेयर खेले हैं आईटी T20 में स्टार्टिंग से, वही प्लेयर अभी भी मौजूद हैं, मैक्सिमम प्लेयर। इनका क्या हाल हुआ है? इनका हाल हुआ ये आए हैं ऐसे T20 से आके सीधे कैप्टन, जो इनका कैप्टन था वो अभी वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहा है। बहुत सारे प्लेयर ऐसे ही हुए इनके साथ चले गए खेलने, लीग्स प्लस इंटरनेशनल ड्यूटीज, जिसकी वजह से इनका जो कोड है वो मिसिंग है बिल्कुल, इसलिए ये लॉस पे लॉस झेल रहे हैं। और ऐसा ही देखने को मिला, अगर आपने S20 देखा होगा तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप अभी बैक पीछे से आई, पीछे से मतलब लास्ट में परफॉर्म करने आई, करते 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 सीधे वो ट्रॉफी जीत गई। सेम एकदम वैसे ही पैटर्न चल रहा है IL T20 का, जीजी का भी वही है, ही भी डिफेंडिंग चैंपियन है, वो भी डिफेंडिंग चैंपियन थी। मैं बस एक को इंसिडेंस बता रहा हूँ, ये टीम परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद डरबन सुपर जायंट जैसा टॉप पर फिनिश की और फिर वो हार गई जाके, क्योंकि ये लास्ट में जाके इनका ही मोमेंटम यूज़ हुआ। ये लगातार में मैच जीतते चली गई, फाइनली खेली और फिर आराम से टाइम मिला 2-3 दिन का, स्ट्रैटेजी बनाई जो टीम आई खेली उससे और जीत गई। नेवर यू नेवर नो, मैं बस एक कोइंसिडेंस बता रहा हूँ, इसको आप दिल पे मत लीजिए, बाकी रिपोर्ट पे काम करेंगे। रिपोर्ट जबरदस्त चल रहा है अपना, मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं 7 4 2 8 5 2 5 7 6 8। कोई भी डाउट है मैसेज से कॉन्टैक्ट करिए, और अगर बात करना है तो राठौर PDX007 टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करिए सर्च करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, क्लिक करके जाना सर। तो नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है IL T20 में, PSL में भी बूम बूम करेंगे और हार के रख देंगे नो डाउट, क्योंकि S20 में भी हमारा काम 90% एक्यूरेसी के साथ चला है। आप जाके ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं, डेमो आता है हर 2 से 3 4 मैच कम से कम आता है हफ्ते में, लेकिन से एक ज़्यादा स्टेडियम में खेला जाएगा, अबू धाबी में। तो एक तरह से न्यूट्रल वेन्यू बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैच है ये 14 को 8 तारीख को 8 बजे, 22-25 डिग्री का टेम्परेचर है, 0% रेन है, ह्यूमिडिटी भी कम है, तो ड्यू फैक्टर उतना फेवर नहीं करेगा, ये एक अच्छी बात है। पिच क्या है, लास्ट मैच में आपने देखा तो 47 के करीब का टारगेट डिफेंड हो गया, कुछ भी खराबी नहीं थी सरफेस में, सरफेस बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए। वो मिस रीडिंग ऑफ कैलकुलेशंस बोलिए या कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन बोलिए, मैनेजमेंट बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा था चेज करने वाली टीम, उसका सरफेस कुछ स्लो नहीं हुआ है या ख़राब नहीं हुआ या डिटोरिएट कर गया है या फिर क्रैक्स बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। बैटिंग के लिए उमदा सरफेस है, उमदा यहाँ पे आपको मैच देखने को मिल सकता है जब दोनों बड़ी टीम भिड़ेगी, तो सेशंस खेलने वाले ऐसे डर के लिए खेलना है कि सेशन नॉट हो जाएगा। हाँ एक बात है कि डायमेंशंस बड़ा है, तो ये जैसा प्रेशर मैच है इस टाइप के मैचेस में फर्स्ट बैट करने वाले को अच्छा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो आराम से यहाँ पे खेलता है, एक स्कोर खड़ा कर देता है, उसके बाद जो सेकेंड टीम आती है वो प्रेशर में रहती है कि चेस करना है, उसमें विकेट जाने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। थोड़ा सा एडवांटेज, मेंटल एडवांटेज ये रहता है फर्स्ट बैट का बड़े मैचेज में। और देखिए एक ऐसी मैच हुआ है जिसमें 37 बार फर्स्ट बैट, 44 बार सेकंड बैट, एवरेज फर्स्ट बैटिंग स्कोर 162 करीब है, जो कि मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना कि लगना ही चाहिए। लेकिन लास्ट के कुछ मैचेस में देखने को मिला है कि 150 से भी नीचे टारगेट लगा है, और 247 तक का यहाँ पे हाइएस्ट स्कोर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, RCB 70 पे भी ऑल आउट हुई थी। देखिए 150 से नीचे 25 टाइम लगा है, 152 से 22 बार, और 172 118 20 बार, एवो 190 14 10 भी लगा है। लास्ट 3 मैच का अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं MIE 188 मारी, डिफेंड हो गया 158 पे पैक कर दिया लेजर्स वाइपर्स को, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर, फिर 6 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर सेकेंड इनिंग में, 183 का भी टारगेट यहाँ पे डिफेंड हुआ है, 154 पे ही रोक दिया ADKR ने, 29 रन जीती। मतलब ये दिख रहा है कि फर्स्ट बैट करके अगर बड़ा स्कोर है, ऑब्वियसली 190 करीब अप्रोचिंग है तो बड़ा स्कोर है तो वो डिफेंड हो ही जा रहा है, और इतना अगर यहाँ पे भी लग जाता है इस मैच में तो वो भी डिफेंड होने के चांसेस ज़्यादातर रहने वाले हैं। पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, फिर 4 विकेट पेसर्स, फिर 4 विकेट स्पिनर यहाँ पे लिया है। तीसरा मैच देखिए तो 129 का टारगेट था, ये मतलब बिलो पार, ये सरफेस है ही नहीं इस तरह से, इतना कम लगने वाला, फिर भी लगा है यहाँ पे, आप क्या बोल सकते हैं। 33 रन मार के जीत गई MI, 4 विकेट पेसर्स को, 5 विकेट स्पिनर्स को, 2 विकेट पेसर्स को, 1 विकेट स्पिनर्स के पास नहीं, 26 विकेट लास्ट 3 में पेसर्स और 15 स्पिनर्स यहाँ पे, तो मतलब पेसर्स
या फिर स्पिनर्स, दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं, दोनों विकेट आपको निकाल के देगा यहाँ पर ड्रीम इलेवन पंडित। लेकिन हेड टू हेड में अगर बात करें तो चार मैच हुआ इन दोनों के बीच में, MI एक दो यहाँ पे जी जी जीती है और एक नोडी जल रहा है। तो यहाँ पे गर्ल्स जैंग्स का अपर हैंड है। मार्केट फेवरेट्स का बात करें इस मैच में तो MI सिर्फ 34% मार्केट से टीम इसको फेवरेट मांग रही है, बाकी 66% यहाँ पे जी जी को फेवरेट मांग रही है। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है वो बता रहा हूँ आपको, आपको नॉलेज होना चाहिए। अबू धाबी टोटल इस वेन्यू पे यहाँ पे मैच होगा, दो मैच हुआ इन दोनों के बीच में, और एक एक फायदा है कि दो दो टीम एक एक मैच यहाँ पे जीती है। अब देखिए यहाँ पे सेशन टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, सेशन कैसे खेलना। फर्स्ट इनिंग का 6 ओवर का जो सेशन होता है और सेकेंड इनिंग का, तो ये एवरेज है, मतलब इतने जो मैचेस हुए उसमें देखा गया कि 50 रन मिनिमम फर्स्ट 6 ओवर में लग रहे हैं इस वेन्यू पे। तो ये 50 या 49 48 दिखे आपको, यस करके चलना है ना कि नॉट, ये मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग थोड़ा लो है 47, 10 ओवर 76 है इसी तरह से 78 सेकेंड इनिंग में, 15 ओवर में 114 सेकेंड इनिंग में 120, और लंबी का बात कर लेते तो 162 या 161 है। तो ये ध्यान रखिएगा जो भाई सेशन खेलते हैं उनके लिए। रिसेंट फॉर्म देखिए तो लास्ट दो मैच MI लॉस लॉस, फिर विन विन फिर लॉस, तो लास्ट 5 में से 2 ही विन है, बाकी यहाँ पे देखिए अगेन लगातार 4 विन के साथ यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई कर चुकी है जी जी, उससे पहले लॉस पे लॉस खेल रही थी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये जो लॉस दिख रहा है ये बहुत कंसर्निंग बात है, क्योंकि एन मौके पे आके लूजिंग मोमेंटम लेना वो बहुत घातक होता है, सब कुछ मोमेंटम डिसाइड करता है मैच में, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। प्लेइंग 11 का बात करें हमारी की तरफ से, मोहम्मद वसीम, आंद्रे फ्लेचर, दैन मोसली, ट्वेन ब्रावो, कैरन पोलर, क्रिस बेंजामिन, जॉर्डन थॉमसन, विजय विश, वीएस खान, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद रोहित खान, वकर सलाम थे। लेकिन इनका फॉर्म था, कुछ मैचेस से इनका फॉर्म नहीं दिख रहा है। फ्लेचर ठीक है फॉर्म में, मोस्टली इनको बॉलिंग ऑलराउंडर कंसिडर करिए, और ज़्यादातर यॉर्कर क्रिस ग्रीन के टाइप बॉलर है। ड्वेन ब्रेवो बॉलिंग ऑलराउंडर, नो कंट्रीब्यूशन विद द बैट, मान के ही चलिए एकदम। पोलार्ड ठीक है फिनिश कर सकता है फॉर्म में दिख रहा है, बेंजामिन भी फॉर्म में नहीं है, जॉर्डन थॉमसन को जब से लाया ठीक है बॉलिंग कर ले रहा, बैट से भी दिख रहा है कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये बॉलिंग बढ़िया कर रहा है। विजय खान, ट्रेंड बॉल भी ठीक है, रोहित खान हटा के चलिए, सलाम के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, विकेट निकाल के रहा है। कुशल पेरेरा जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ रहे हैं ये अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बैटिंग में, फास्ट भी खेल रहा है, इनका चलना जरूरी है, अगर ये फ्लॉप तो टीम फ्लॉप, क्योंकि पूरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स ही दिख रहा है। ठीक है इधर देखिए फॉर्म में हाईएस्ट रन गेटर, कॉक का फॉर्म कुछ खास नहीं, लीन फॉर्म में, दो मैच छोड़ा है लेकिन ये अच्छे फॉर्म में, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आएंगे भी ज़बरदस्त फॉर्म है इनका। शिमरन नेटवर्क फॉर्म में, जेरार्ड एरास्मस बॉलिंग अच्छा कर रहा है, बैटिंग से मत मानिए कि ठीक कर सकता है, जेमी स्मिथ भी नीचे आके अच्छा खेल रहा है, ओवरटन BBL से ही फॉर्म इनके पास है, बैट नहीं तो बॉल दोनों से ही, डोमिनिक ड्रेक्स फिनिश कर रहे हैं ना लास्ट लास्ट तक, 8वां 9वां डाउन पे आके कंट्रीब्यूट करके जा रहा है, क्रिस जॉर्डन जबरदस्त बॉलिंग, अयान खान हटाइए ये भी बॉलिंग में अच्छा कर रहा है, 7 मैच में 10 विकेट है इसके पास। इधर ब्लेसिंग मुजरबानी आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, फाड़ के रख दे रहा है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, विन जिता दिया यॉर्कर पे यॉर्कर मार के, और लॉरी इवेंस कुछ ना कर पाया, 11-7 37-19-87। देखिए लास्ट दो फ्लॉप, 5 में से 2 ही मैच में कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा लो दिख रहा है लेकिन ये फॉर्म में आ सकता है प्लेयर। मौजली 2-11-25-12-8-2-1-0-3-1 बॉलिंग से इनका कंट्रीब्यूशन मान के चलिए, 3-1-4-5-2-7 लास्ट 5 मैच में, बैटिंग वही है, चल गए तो जयराम की थी। आंद्रे फ्लेचर 45-11-22-18-16, ये लास्ट 4 मैच तो हटा ही दीजिए फॉर्म नहीं था, यहाँ लास्ट 45 आया है, वो लोन वॉरियर टाइप आया, सारा टीम का बैट्समैन खत्म हो गया तो इन्होंने कंट्रीब्यूट करके दिखाया, हो सकता है फॉर्म में आ गए होंगे तो इसको लेके चल सकते हैं हम, नॉट अ बैड पिक। ब्रेवो 7-10-15-23-16-1-2-1-3-2-3-5-6-7-7-2-9, तो लास्ट 5 में 9 है इनके पास विकेट, ये तो मस्त पिक प्लेयर रहने वाले हैं, जो बॉलिंग और ऑलराउंडर का काम है वो बखूबी करके ये दे रहा है अभी भी रिटायर होने के बाद। पोलार्ड का बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 8-40-28-13-11-1-2-0-1-1 ठीक है, अभी तो ये बॉलिंग कर लेते हैं, और सरफेस में अगर मदद है स्लो बॉलर्स को तो फिर ये आपको बॉलिंग करते देखने को मिलेंगे,
नॉट अ बैड ऑप्शन, यू कैन पिक हिम, चूज हिम, ही कैन कंट्रीब्यूट। थॉमसन 17, 26, 44, 20, 13, 1, 0, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 6, 7 विकेट लास्ट 5 में, और बैट से ये बखूबी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये भी अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, हेड टू हेड में आप इनको पिक करके चल सकते हो। बेंजामिन 35, 28, 8, 16 फॉर्म इनके पास दिख रहा है, लास्ट मैच थोड़ा सोसो हो गया लेकिन ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है। विजयकांत व्यासकांत 8, 1, 7, 26, 6, 2, 1, 1, 0, 2, ये बॉलिंग अच्छा कर रहा है लास्ट 3 मैच में, 3, 1, 4 विकेट इनके पास। बोल्ट का सोसो हो गया जैसा फॉर्म था वैसा दिखा नहीं है, 1, 0, 1, 2, 0 देख रहे हैं। इनसे बेटर ऑप्शन का बात कर लेते हैं, रोहित का 0, 1, 0, 3, 1, ये भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, पिक करना तो इनको करिए, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 5, 3, 8, 1, 9 लास्ट 5 में, मस्ट पिक प्लेयर। मैच को ये अकेले संभाल रहा है, जहाँ पे विकेट नहीं मिल रहा वहाँ पे निकाल के दे रहा है, कंट्रीब्यूशन इनका बाकी बहुत अच्छा है। इधर देखते हैं जेम्स विंस 50, 59, 32, 20, 0 लास्ट 3 मैच देखिए, हाइएस्ट रन गेटर, बेस्ट ऑप्शन। क्रिस लिन 16, 6, 16, 1, 47, 27 लास्ट 3 मैच एकदम सोचो हो गया, लेकिन फिर भी मैं बैक करूंगा इनको फॉर सी इन जी एल, बेटर ऑप्शन। कॉक्स 57, 2, 0, 4, 26 तो 4 मैच के बाद इनका एक आया है, कभी परफॉर्मिंग कभी नहीं, रिस्की पिक। चिमरो नेटवाय 39, 2, 53, 40, 19 ये बेटर ऑप्शन है, इज लुकिंग इन गुड गुड टच, परफॉर्म करना है प्लेयर। ये ऐसे जैसे रदरफोर्ड है ना, जो कि जगह खा के वेस्ट इंडीज टीम में बैठा हुआ है, उसके जगह ये जाना चाह रहा है और बेटर ऑप्शन है, इसको क्यों हटाया मुझे समझ में नहीं आ रहा। ही कैन बैट बेटर, इवन बेटर देन रदरफोर्ड, और उनका बॉलिंग का क्या मतलब, कभी तो कराया नहीं जाता है तो कौन फायदा, बॉलिंग करके भी एक एक ओवर में 18 रन 20 रन से कम खाता नहीं। 7, 2, 17, 18, 24 देखिए बैटिंग क्या नहीं है, लेकिन लास्ट में 2, 2 ऐसे करके इन्होंने विकेट निकाला है, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओवर 10, 0, 5, 1, 25, 28, 3, 1, 1, 0, 1, 4, 5, 6 लास्ट 5 में, वेरी गुड ऑप्शन। ही हैज रिदम, ही हैज कॉन्फिडेंस, ही इज बॉलिंग वेल एंड ही कैन परफॉर्म वेल। जेमी स्मिथ 23, 9 और 15, 1 देखिए ये बैट कर सकते हैं, ये बहुत टफ सिचुएशन में, मैं 5 विकेट जल्दी गिर गया तो वहाँ से आगे मैंने कंट्रीब्यूट करके यहाँ पर मैच नहीं करा। ब्रेक्स 0, 8, 13, 3, 15, 0, 0, 1, 2, 1 देखिए लास्ट 4, 3 मैच में 4 विकेट, उसके बाद ये जो 2, 0, 0 है ये विकेटलेस जा रहा है, लेकिन पहले विकेट निकाला है, बैट से जरूरत पड़ी है तो कंट्रीब्यूट भी करके दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इस पिछले इसके पिछले साल का सीपीएल इन्होंने बैटिंग से ही जीता रहा था रन मार के, 2, 1, 1, 1, 0, 1 वो भी फाइनल में। क्रिस जॉर्डन 3, 1, 4, 5 ये बॉलिंग अच्छा कर रहा है जॉर्डन इस साल, ठीक है। अयान खान 1, 2, 2, 0, 1 जो है जुएर को देखिए, मैंने बोला इनको किसी पे नज़र नहीं है, लेकिन ये अच्छा बॉलिंग कर रहा है, 1, 1, 2, 4, 2, 6, 8, 9, 10 लास्ट 5 में, मस्ट पिक, वेरी गुड प्लेयर एंड ही हैज़ द पोटेंशियल, गुड बॉलिंग। देख सकते हैं आप यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स के साथ पोलार्ड लीन विंस ब्रावो वर्टन थॉमसन मोजली बोल्ड जॉर्डन और सलाम खिल, ऐसा कोई भी नहीं जो इनफॉर्म नहीं दिख रहा है। 57 रन पोलार्ड कैन बैट, ही हैज बैटेड वेल। क्रिस लिन लास्ट 2 छोड़ दिए 3 छोड़ दिए, लेकिन ही हैज़ द पोटेंशियल। विंस कैप्टन या वाइस कैप्टन, वेरी गुड ऑप्शन, हाइएस्ट रन गेटर इन हेड टू हेड, आप इनको ट्राई करिए। ओवरटन फॉर कैप्टन वीसी, वीसी विल बी गुड कैप्टन, आप इनको बनाइए और इसको वीसी बनाइए, हेड टू हेड में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे ग्रैंड लीग में पिक करना है, आई विल गो विद जॉर्डन थॉमसन, जो कि बहुत बैटर बहुत ठीक कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्लोअर है इनके पास डिलीवरी, और ये इस तरह के बॉलर्स यहाँ पे कारगर हो सकते हैं। अनदर ऑप्शन आपको अगर पिक करना है तो क्रिस लिन, वीसी 2-3 मैच नहीं चला है, फॉर्म है बीबीएल से ही फॉर्म है, परफॉर्म कर सकता है। फाइनल नंबर से करिए 7, 4, 2, 8, 5, 2, 5, 7, 6, कोई भी डाउट हो मैच से रिलेटेड इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बोल्ट है, जॉर्डन है, सलाम खेल है, ये भी विकेट निकाल रहे हैं, बाकी सब विकेट टेकर हैं और विकेट निकाल के दिया है तो अच्छा ऑप्शन है। नीचे राठौर पिटिशन 07 को जाइए, सर्च करिए, ज्वाइन करिए, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अवेलेबिलिटी के लिए।